तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब जवान तो बवाल पे बवाल काट रही है। देखो मूवी को रिलीज होने के लिए ऑलमोस्ट 46 से 45 दिन हैं अभी, और ये तो अभी से अपनी झोली कमाई से भर के बैठ गई है। जी दोस्तों, इतना सॉलिड रिस्पॉन्स शायद ही आज तक किसी फिल्म को मिला होगा जो रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट का टैग लेकर बैठी हो। फैंस मजे में है कि मूवी जल्दी रिलीज हो, मेकर्स मजे में है कि हमने जितनी कमाई करनी थी कर ली है, अब बस मूवी को रिलीज करने का दिन आए और बचे कुचे रिकॉर्ड भी हम तोड़ें। जी दोस्तों, जवान ने काफ़ी मोटी कमाई अपने रिलीज होने से पहले ही कर ली है। कैसे सब बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, अटली कुमार के डायरेक्शन में लगभग 250 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली फिल्म जवान, जिसके मेन लीड में आपको द किंग खान शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, एक चटपटी मसालेदार एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे जनता से काफ़ी प्यार मिल रहा है। हालांकि मूवी को रिलीज होना है 7 सितंबर को, लेकिन फैंस अभी से फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, SRK के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है जवान आफ्टर पठान। दूसरी बात, पठान तो सिर्फ झांकी थी, जवान अभी बाकी है। दोस्तों 4 साल के लंबे समय के गैप के बाद SRK ने क्या सॉलिड कमबैक किया है, अमेजिंग। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी वापसी किसी की भी नहीं हुई थी, और पठान के हिट होने के बाद इस बारी हमने ये भी देख लिया कि इंटरनेशनली भी SRK की पकड़ बहुत सॉलिड है। या दोस्तों, जब से जवान का प्रीव्यू आया था लोग पागल हो गए हैं मूवी को रिलीज होने के लिए, जबकि अभी तो ट्रेलर आना अभी बाकी है। और जवान में SRK के जो मल्टीपल लुक्स होने वाले हैं, भाई साहब ये पार्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मूवी का। देखो एक ही एक्टर को दो रोल करते तो देखा होगा आपने मूवी में, चलो 3 मान लो, अच्छा चलो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मान लो, लेकिन 8-8 रोल, 8 कैरेक्टर को प्ले करना सिर्फ एक ही मूवी में, वो भी लगभग 2.5 घंटे से ऊपर के मूवी रन टाइम में ही, भाई साहब बहुत चैलेंजिंग पार्ट है ये, जो लोगों को बहुत एक्साइटेड कर रहा है कि यार आखिर क्या मसाला मिलने वाला है पूरी मूवी में। दोस्तों अगर आपको बता दूं तो मूवी रिलीज होने से पहले ही इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और हिट लिस्ट में नंबर 1 ट्रेंड पर कर रही है। और देखो एज प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी मूवी, प्रोड्यूसर्स हमेशा चाहेगा कि यार घाटा ना हो, जितना पैसा लगाया है एटलीस्ट वो तो निकल ही जाए, और उसके बाद किस्मत अगर अच्छी रही तो साला थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाए। तो वैसे SRK एज प्रोड्यूसर्स भी बड़ी चमकती किस्मत लेकर बैठे हैं इस बार 2023 में, क्योंकि सिर्फ मूवी की लागत ही नहीं निकाली है, 300 करोड़ का प्रॉफिट भी सीधा सीधा कमाया है अभी तक अपने रिलीज होने से पहले ही। वो कैसे, चलो डिटेल में आपको बताता हूँ, थिएटिकल राइट्स और नॉन थिएटिकल राइट्स बेचकर। पहले बात करेंगे नॉन थिएटिकल राइट्स की। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहला सैटेलाइट साइट बेचकर 84 करोड़ की कमाई कर ली है, दूसरा डिजिटल राइट बेचकर 130 करोड़ की कमाई कर ली है, लेकिन आफ्टर सक्सेस ऑफ पठान ये नंबर काफी छोटा देखने को मिला है, क्योंकि एवरीवन नोज जवान को ब्लॉकबस्टर हिट होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। तो इस हिसाब से मेरे आंकड़े में कम से कम 200 करोड़ का डिजिटल राइट तो बिक नहीं थे, खैर उनकी डील तो वही जाने। तीसरा म्यूजिकल राइट लगभग 36 करोड़ के बेचे गए हैं, और यहां टोटल नॉन थिएटिकल राइट्स तीनों को मिलाकर 250 करोड़ कमा लेती है जवान, और अपनी लागत 250 करोड़ तो यहीं कवर कर गई मूवी। इसी के साथ थिएटिकल राइट बेचकर भी बहुत मोटी कमाई अपने खाते में रखते नजर आई है मूवी। जी हां दोस्तों, पहले अगर बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो ओवरसीज में लगभग 105 करोड़ की कमाई सिर्फ बाहर से करके बैठी है मूवी। इसी के साथ केरला से 7 करोड़ की कमाई, तमिलनाडु से 17 करोड़ की कमाई, कर्नाटका से 15 करोड़ की, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलाकर 15 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी, और रेस्ट ऑफ द इंडिया से लगभग 155 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखा है। दोस्तों इन सारे थिएटिकल साइट्स को अगर जोड़ूं तो लगभग 314 करोड़ की कमाई सिर्फ थिएटिकल साइट बेचकर कमाया है मूवी ने। दोस्तों अगर मैं दोनों थिएटिकल साइट और नॉन थिएटिकल साइट्स को ऐड कर दूं तो लगभग 564 करोड़ का आंकड़ा ये मूवी अपने खाते में रख चुकी है रिलीज होने से पहले ही। दोस्तों अपना बजट 250 करोड़ निकालकर सिर्फ SRK ने पूरे 300 करोड़ का प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया है, जो कि एक ह्यूज सक्सेस है उनके करियर की, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट शायद ही किसी मूवी को मिला हो आज तक। दोस्तों मूवी का रिलीज होने का मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, आप लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बता के जाना। दूसरा, मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 1000 करोड़ का बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं, और क्या मूवी वाकई में हिट जाएगी या फ्लॉप भी हो सकती है, आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर अपना राय शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।